पिछले दिनों मैंने अपना आजमगढ़ का जुआस लोगों ने लिख दिया, दान दे दिए, कितनी गलत गलत है। मैंने समर्पित किया और समर्पित अपने स्वार्थ दान किया। कितना भव्य घर उसमें कोई नहीं रहता, खाली पड़ा हुआ। हमारे पिता को गांव से लगा हुआ, हमारी पैतृक संपत्ति नहीं, हमारे परदादा रणजीत सिंह की हवेली गांव के अंदर है, जिनके पांच पुत्र थे। हमारे पिता समय न तो हमारी पैतृक समय संपत्ति है, वह संपत्ति हमने पिता के लिए बनवाई थी और पिता ही नहीं रहे। हम आजमगढ़ कभी जाते भी हैं, कई बार आजमगढ़ से रोज आना होता है, कई बार तरवा जाते हैं तो 15-20 मिनट के लिए रहते हैं, तो इतनी भीड़ हो जाती है कि रह नहीं पाते। खाली दिमाग और शैतान का और खाली घर। अगर बेच दो चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो तो लोग कहेंगे अमर सिंह बेच रहे, अब भी नहीं छोड़ेंगे पत्रकार। राष्ट्रीय सेवा भारती के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में मुझे इतना मालूम है कि तो सेवा का काम मुझसे अच्छा देश में बहुत कम है। प्रतिवर्ष में राष्ट्रीय सेवा भारती का प्रकल्प होते निश्चित रूप से, क्योंकि उसकी एक एक पाई का स्वास्थ्य हो तो मेरा स्वास्थ्य है कि पिता का नाम कुंजित रहे, स्थान का सदुपयोग जो राशि सरकार हमको आवंटित करती है। क्या करूं मैं उस सड़क के निर्माण के लिए ठेकेदारों को लिख दूं जो 50-60% लिखने वाले सांसद ठेकेदार और बीच के दलाल के बीच में वितरित हो जाता है और एक बरसात से पूरी की पूरी सड़क खत्म हो जाती है। ऐसा तो लोग करें, मैं भी वही करूं। तो अपनी मर्यादा के रक्षण के लिए, अपने पिता की स्मृति को चिर स्थायी करने के लिए, ये परमार से ज्यादा स्वार्थ का काम है और हमारे इस स्वार्थ की आपूर्ति अगर राष्ट्रीय सेवा भर्ती करने के लिए अपनी स्वीकार्यता दे रहा है तो यह उनका रिकॉर्ड है।